I am Dr. Rajib K. Gupta, Professor Department of Zoology, JNRN Vyas University, Jodhpur. We have explained the head and its structure, area and plates found upon the insect head. Now we come towards internal view of the head and this figure initially explains that labrum constitutes upper lip. You can see the labrum onto the below bottom line of labrum is there. This constitutes the upper lip pre-oral cavity is following the labrum you can see the gap in between the labrum and hypopharynx this is the pre-oral cavity following upper side is the siberium or the so-called buccal cavity or mouth cavity then the mouth comes so this is what the configuration we explain it like this mandibles and maxillae form lateral wall and labium constitutes bottom of the pre-oral cavity mouth chamber and or siberium genuine mouth part is placed little posterior in siberium or posterior to the clypeal base then antenna is there a pair of antenna originates from the second procephalic segment known as antennal in an adult insect it is the first visible appendage of the head first why because pre segment is not visible eye is normally located nearby that however pre appendage is not visible in the adult insect it is a structure of linearly arranged segments which originates from the antennal socket. Antennal socket gives rise to the antenna. The sockets are seated almost at the either side of the center or sometimes slightly above or lower near to the center of the face. Kabika bi kya ki antenna face ke center se niche biota or center se hai. Its basal structure which fits into socket is termed as escape, followed by a small segment known as pedicel. सबसे बेस का जो पार्ट है वो स्केप है उसके ऊपर छोटा सा पेडिसल है पेडिसल के बाद में बहुत सारे सेगमेंट लाइन में अरेंज होते हैं जिन्हें हम फ्लैजलम का पार्ट या फ्लैजलम कहते हैं होलो सॉकेट पास थ्रू द मसल्स फॉर द एंटीनियर मूवमेंट एंड वेरियस सप्लाईज फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ हेड सच एज हिमोलिम ट्रेकिया एंड नर्वस टू एंटीरियर पार्ट ऑफ द एंटीना यानी होलो जो सॉकेट है जिससे हम एंटीनल सॉकेट कह रहे हैं उससे होकर एंटीना की तरफ मसल्स होती हैं जो उसके मूवमेंट में मदद करती हैं और तरह तरह की सप्लाईज़ जैसे हीमोलिम्फ ट्रेकिया और नर्व इनकी सप्लाईज़ एंटीना की तरफ जाती हैं लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है द एंटीना ऑफ इंसेक्ट एग्जिबिट ह्यूज वेरिएशन इन स्ट्रक्चर साइज़ एंड शेप्स सो एज देयर फंक्शंस यानी एंटीना का जो कन्फिग्रेशन और स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में तरह तरह के वेरिएशन दिखाई देते हैं और ये वेरिएशन उसके स्ट्रक्चर में उसके साइज़ में और उसके आकार में भी साथ ही साथ उसके कामों में भी दिखाई देते हैं दिस फीचर बी हर्स एन इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर ऑल इंसेक्ट ग्रुप बेसिकली ये जो फीचर है एंटीना का वो एक टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस का फीचर है यानी कहने का मतलब ये है कि इसके आधार पर हम नर और मादा और अलग अलग तरह के टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के इंसेक्ट की पहचान कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लैजलर सेगमेंट की जो संख्या है वो हमेशा नर में एक अधिक होती है मादा के मुकाबले या मेल में एक ज़्यादा होती है और अडपटेशंस के आधार पर हैबिटो habit हैबिटेट के आधार पर और फंक्शंस के आधार पर इनके कई तरह के हम डिवीजन देखते हैं हम आगे देखेंगे कितनी तरह के एंटीना होते हैं वो उस फिगर में हम इस बात को समझेंगे एंटीनी आर बेसिकली और मेनली ऑफ टू टाइप्स सेटीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म सिटेशियस भी कहते हैं और फेलीफाम भी कहते हैं ऑल द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व इंसेक्ट आर बेसिकली डेरीवेटिव ऑफ़ दीज टाइप्स यानी फंडामेंटली दो तरह के जो एंटीना है सेटिफाम और फेलीफाम बाकी सभी तरह के जो एंटीना हमें दिखाई देते हैं वे इन्हीं दो तरह की टाइप्स के डेरिवेशन हैं अब इधर की तरफ देखें लेफ्ट हैंड की तरफ एनुलेटेड एंटीना है लोकस्ट का और राइट हैंड की तरफ देखेंगे सिगमेंटेड एंटीना है वो एक डिप्ल्यूरा का एंटीना है नाउ दीज आर सम मॉडिफिकेशन एंटीना सबसे ऊपर हम फिलीफाम देख रहे हैं थ्रेड लाइक फिर हम सिटेशियस देख रहे हैं या सेटीफाम देख रहे हैं उसके बाद में फॉर्म है क्लेवेट है कैपिटेट है सेट है जेनिकुलेट है एल्बोट जेनिकुलेट एलोट और लेमलिकॉन पैक्टिनेट स्टाइलीफॉर्म एरिस्टेट प्लियूमोस एंड फाइनली बाई पैक्टिनेट पैक्टिनेट बाई पैक्टिनेट एंड देन प्लेमोस थोड़े से एग्जाम्पल्स में बता सकता हूँ प्लीमोज एंटीना हमें मच्छरों में दिखाई देते हैं स्टाइलेट डिप्ट्रा में मिलते हैं एरिस्टेट डिप्ट्रा में मिलते हैं घरेलू मक्खी है उसमें एरिस्टेट एंटीना होता है पैक्टिनेट ये बटरफ्लाइज में मिलते हैं लेमिलेट ये कोलेप्ट्रा यानी बीटल्स में मिलते हैं जेनिकुलेट भी बीटल्स में मिलते हैं और डिप्ट्रा में भी होते हैं बीज में भी होते हैं सेरेट कैपिटेट और क्लेवेट वगैरह वगैरह ये अलग अलग कैटेगरी के इंसेक्ट में एज पर एडेप्टेशन मिलते हैं फंक्शंस एंटीना बड़े काम का आइटम होता है एक इंसेक्ट के लिए और प्राइमरीली ये एक सेंस ऑर्गन और बहुत बड़ी मात्रा में इसके ऊपर मौजूद सेंसिला इसकी इस मामले में मदद करते हैं फंक्शन प्राइमरीली है सेंस ऑर्गन एंड दे बी आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेंसिला नाउ दी सेंसिली आर आइदर टेक्टाइल एंड ओडर रिसेप्टर्स ऑल फैक्ट्री कॉन्टेक्ट रिसेप्टर्स थिगमो रिसेप्टर्स हाइग्रो रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स यानी सब तरह का जो हेड के ऊपर रिसेप्शन है वे सभी रिसेप्शंस एंटीना के द्वारा ही आमतौर पर किया जाता है नर मॉस्कीटो मेल मॉस्कीटो और कुछ इंसेक्ट दूसरे में ये अपनी ध्वनि को रिसीव करने का भी काम करता है साथ ही साथ ये हवा की रफ्तार को भी ये मेजर करने में मदद करता है और मेजर करता है इसमें मच्छरों में इन दीज केसेस मूवमेंट ऑफ द फ्लैजलम आर मॉनिटर्ड बाय जॉनसन ऑर्गन एक कोडोटोनल ऑर्गन फाउंड इन द पेडिसन ऑफ इंसेक्ट्स विद एनुलेटेड एंटीना यानी इन सभी मामलों में फ्लैजलम का मूवमेंट जॉनसन ऑर्गन जो कि एंटीना के पेडिसन में मौजूद होता है उससे ये गाइडेड रहता है हालांकि एंटीना के दूसरे भी बहुत सारे काम हैं हाइड्रोफिलस एक जलीय बीटिल है कॉलिप्ट्रा है हाइड्रोफिलीडी फैमिली की इसके चार टर्मिनल एन्यूलाई यानी सबसे बाहर वाले जो चार खंड हैं फ्लेजिलम के वे बड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे रेशे ब्रिस्टल्स से ये ढके रहते हैं इस तरह से ये एक हाइड्रोफ्यूज हेयर की प्रोफाइल बना लेते हैं जिसमें कि बीटल जब भी नीचे डाइव करती है हवा का एक बुलबुला लेकर नीचे उतर जाती है पानी में नए नए लार्वा जो कि हैच आउट होते हैं इंसेक्ट में एंटीना असिस्ट द मैंडिबल्स इन मेस्टिकेटिंग द प्रे एंटीना मैंडिबल के साथ में मदद करता है जिससे कि वो शिकार को चबा सके संभालता है शिकार इधर उधर गिर जाए उसको भी ये पकड़ कर रखता है किसमें इसी में हाइड्रोफिलस के लार्वा में दिस इज फैसिलिटेड बाय नंबर ऑफ शार्प स्पाइंस ऑन द इनसाइड ऑफ द एंटीना इसमें बहुत सारे बारीक छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं जो कि एंटीना के की अंदर की सतह पर इस काम को करने में मदद करते हैं प्लीज साइफेनेप्ट्रा और कोलम्बोला यानी एटेरिगोटा एंटीना आर यूज इन मेटिंग पकड़कर ग्रहण करना या उसको क्लैस्पिंग की मैं मदद करता है वे आर मेल फ्ली यूज़ द एंटीना टू क्लैस्प द फीमेल विद द हेल्प ऑफ एडेसिव डिस्क ऑन इनर सरफेस यानी फीमेल को पकड़ लेता है और उसके जो एंटीना की अंदरूनी सतह पर चिपकने वाली ग्रंथियाँ हैं उनसे डिस्क हैं उससे वो उन्हें जकड़ कर क्लैस्प करता है कोलम्बोला में एक जीनस है स्पिलथ्र एक्वेटिकस इसका मेल भी इसी तरह से कैरी करता है अबाउट बाय द फीमेल होल्डिंग ऑन टू हर एंटीना फॉर सेवरल डेज यानी मादा एंटीना की मदद से नर कोलम्बोला को कई कई दिनों तक पकड़े घूमती रहती है नेक्स्ट है बहुत सारे कोलम्बोला में मेल्स है प्रेनसायल एंटीना विद विच दे होल्ड ऑन द एंटीना ऑफ ए फीमेल जिससे वो फीमेल के एंटीना को पकड़ और उसके साथ समागम या कॉपोलिशन करते हैं

अभी एंडोस्केलेटन है तो क्यूटिकल का है और क्यूटिकल के पाइप्स जैसे अंदर डेराइव हो जाते हैं यानी बाहर से क्यूटिकल अंदर की तरफ आती है और जो होल्स होते हैं दोनों तरफ से आती है उससे वो मसल्स के अटैचमेंट की मदद मिलती है दीज इन फोल्ड्स प्रोवाइड एनफ सर्फेसिज फॉर मस्कुलर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा सतह मिलती हैं जिसमें कि मसल्स चिपकी रहती हैं दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टेंटोरियम फ्लूरल में टेंटोरिया इन ग्रासों पर अ इज़ बिल्ट फ्रॉम बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेंटोरल पिट्स जॉइनिंग द ट्यूब्स नियर बाय द बेसल मार्जिन ऑफ माउथ पार्ट्स यानी एंटीरियर टेंटोरल पिट जो हमने फिगर में देखा था और पोस्टीरियर टेंटोरल पिट जो हमने गूला के पास देखा था यानी yani पोस्ट ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटल फोरामेन के पास में या फोरामेन मैग्नम के पास में जो पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट थे वहाँ से इन्वेजिनेशन होते हैं और एंटीरियर टेंटोरियल पिट से इन्वेजिनेशन होते हैं इस फिगर में यही साफ दिखाई दे रहा है कि एंटीरियल टेंटोरियल पिट देखें लेबरम के ठीक ऊपर दो डॉट्स बनी हुई है, हैं कोने में एंटीरियल टेंटोरियल पिट से इन्वेजिनेशन होता है पीछे की तरफ जाती है क्यूटिकल और पीछे पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट लिखा हुआ है ये अंदर की तरफ आती है और बीच में जोड़ते हुए इसको टेंटोरियल ब्रिज बनाती है इस तरह के टेंटोरियम में ये ग्रासों पर का है देखें डॉर्सल टेंटोरियल आर्म है दो निकली हुई टेंटोरियल आर्म है जो कि हेड के आई के पास उस रीजन को संभाल रखती है यूजअली अ टेंटोरियम कंसिस्ट ऑफ टू एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एपोडीम्स ये एपोडीम कहलाते हैं एंटीरियर आर्म्स अराइज फ्रॉम द इनवेजिनेशन फ्राम एंटीरियर टेंटोरियल पिट एंड पोस्टीरियर आर्म्स अराइज फ्राम द इवेजिनेशन ऑफ पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑफन दीज आर्म्स यूनाइट सम वेयर एंड मीडल पुटिंग मोर स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज टेंटोरियल ब्रिज नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ और वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ टेटोरियम गौर करें इसमें हेड की गोलाई साफ साफ दिखाई दे रही है और ये टेंटोरियल आर्म्स हैं जो कि हेड की गोलाई को सस्पेंडेड रखती है यानी उसको कॉलेप्स होने से बचाती है आप किसी भी हेड के कैप्सूल को पकड़ें उसको आप अंगूठे और उंगली के बीच में रखें उसे आप आसानी से दबा नहीं पाएंगे इस फिगर में यही है देखें मीडियन प्रोसेस कहाँ से निकले हुए हैं गौर करें ए यानी सी फिगर में ए मीडियन प्रोसेस है और ये सी जो लिखा हुआ है सी टी ये कॉरपोरो टेन्टोरियम है यानी ये टेंटोरियल ब्रिज है जो काफ़ी थिक है एंटीरियर आर्म आपको दिख रही है जगह जगह ए टी ए टी और ये पोस्टीरियर आर्म पी टी पी टी इस तरह से आपको दिखाई दे रही है तो पोस्ट ऑक्सीपुट पी ओ सी उधर की तरफ देखें आप उसके पीछे सर्विक्स है सी वी सर्विक्स है और पी टी पोस्टर टेन्टोरियल पिट है नाउ दे जॉइन टुगेदर और कॉन्स्टिट्यूट द टेंटोरियम नाउ दिस वेरिएशन देखें आप कि ई e में देखें एंटीरियर आर्म काफ़ी रिड्यूस हो गई है और मात्र दीवार के पास यानी एंटीरियर फेस के पास में सिर्फ छोटे सा इन्वेजिनेशन है वहीं कन्फाइंड है हालांकि एंटीरियर टेंटोरियर आर्म एफ फिगर में बिल्कुल लगभग समाप्त प्राय है गायब हो गई है ये एक डाइट है घरेलू मक्खी के फिगर में उसके हेड में इसी तरह का टेंटोरियम दिखाई देता है सी वाला फिगर है ये एक ऑर्थोप्टरा है ग्रास ऑपर प्रेइंग मेंटिस, फेस फेस्मिटा वो सब इसी कैटेगरी के उसमें आते हैं नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ टेंटोरियम दिस इज इंटरेस्टिंग टू नोट द टेंटोरियम डिस्टिंक्टली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ए फॉर्म एंडो स्केलेटन ऑफ हेड। फॉर द परपज इट ब्रेसिस द क्रेनियल वॉल ब्रेसिस ब्रेसिस मीन्स चारों तरफ से ये ब्रेसलेट की तरह से क्रेनियम वॉल को जकड़ कर रखता है पकड़ कर रखता है जिससे वो कॉलेप्स नहीं हो पाती है हाउ एवर इट फर्दर गिव्स अटैचमेंट टू द वेंट्रल एडिक्ट मसल्स ऑफ किस किस की मसल्स को अटैच करता है मैंडबिल मैग्जिला और लेबियम की मसल्स को अटैच करता है टू द रिट्रेक्टर्स ऑफ द हाइपोफेरिंग्स एंड टू द वेंट्रल डेटर ऑफ द स्टोमोडियम स्टोमोडियम की वेंट्रल डायलेटर जो हैं जिससे कि ये ईसोफेगस को चौड़ा किया जा सकता है उनके मसल्स के अटैचमेंट भी टेंटोरियम से ही होते हैं नीयर द सर्विस टूवर्ड्स दैड इन मोस्ट इंसेक्ट्स एंटीनल मसल्स ऑल्सो अराइज ऑन द टेंटोरियम पर्टिकुलरली ऑन द डॉर्सल आर्म्स अधिकतर इंसेक्ट्स में एंटीना को गाइड करने वाली मसल्स भी टेंटोरियम के साथ ही चिपकी रहती है वेल दिस इज अबाउट द हेड डिस्टिंक्ट इंसेक्ट हैड थैंक यू वेरी मच वी विल कंटिन्यू एंड लर्न अबाउट मोर आस्पेक्ट्स थैंक यू